कोविड के चलते डेढ़ साल पहले बंद हुए स्कूल के गेट सोमवार 4 अक्टूबर को खोले गए। महानगरपालिका क्षेत्र में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण क्षेत्र में 5वीं से 7वीं कक्षा की पढ़ाई प्रत्यक्ष विद्यार्थियों की उपस्थिति में शुरू हुई। इसी के तहत लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में विद्यार्थियों का स्वागत किया गया, जिस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी, शिक्षण सभापति दिलीप दिवे समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सरकार के निर्देश पर सोमवार से नागपुर शहर और जिले के मिलाकर 2830 स्कूल खुले। नागपुर महानगरपालिका के 89 समेत शहर के 724 स्कूल में 8वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई। जिले के ग्रामीण क्षेत्र 5वीं से 7वीं कक्षा के लगभग 2100 स्कूल खुले, जिसमें जिला परिषद के 752 स्कूलों का समावेश रहा, जिसके तहत लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में विद्यार्थियों का स्वागत किया गया, जिस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी, शिक्षण सभापति दिलीप दिवे समेत अन्य लोग उपस्थित थे। स्कूल शुरू होने से कहीं न कहीं विद्यार्थियों में उत्साह देखा गया। उनका कहना था कि ऑफलाइन स्कूल शुरू होने से उन्हें जो ऑनलाइन स्टडीज में दिक्कतें सामने आई थी, अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली स्कूल में आकर आज बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम के बाद, पेंडेमिक के पूरे डेढ़ साल के बाद स्कूल स्टार्ट हुई है और हमारी ऑनलाइन स्टडी से ऑफलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टडी में प्रॉब्लम्स आ रही थी अब वो हमको फेस नहीं करना पड़ेगा बाय थॉट ऑफ ऑफलाइन स्टडी। हाँ, पेरेंट्स ने परमिशन दी, इनफैक्ट पेरेंट्स ने स्कूल तक लाकर छोड़ा है। उसके डर के लिए थोड़ा सा डर है, लेकिन फिर भी जैसे अभी तक कोरोना को फेस किया है वैसे ही आगे भी कोरोना को फेस करेंगे, ऐसी स्ट्रांगनेस है। भले ही स्कूल शुरू हो रहे हों, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि स्कूल में कोरोना के सभी नियमों का पालन हो, ऐसा इस दौरान अभिभावकों का कहना था। नहीं, अभी इतना डर नहीं है, लेकिन जैसे भी बच्चे बढ़ते हैं उस हिसाब से फिर थोड़ा सा डर लगने लगेगा। ये लेकिन ये जिम्मेदारी सारी टीचर्स लोगों की है, इन्हें बच्चों में जो भी है दूरियाँ बनाना करना और जो सैनिटाइज़र वगैरह जो भी यूज़ करना है घर यहाँ पे साफ़ सफाई के हिसाब से, वो सब टीचर लोगों को देखना है। उसके बाद पेरेंट्स लोगों का काम है अपने बच्चों को घर जाने के बाद उनकी साफ़ सफाई रखना। इसे लगता नहीं है शायद ऐसा कि तीसरी लहर आने को है, क्योंकि जो अगस्त सितंबर का टाइम दिया था वो तो फिलहाल जा रहा है, अभी अक्टूबर शुरू भी हो चुका है, तो इस हिसाब से तो तीसरी लहर का जो भी है एक कम है, यानी अभी आने को जरूर है, लेकिन इतना कुछ लग नहीं दिया है कि आएगी, और यदि आती है तो उसके लिए तैयारी है। इस दौरान शिक्षण सभापति दिलीप दिवे ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश के बाद ममता की स्कूलें सोमवार को शुरू हुई हैं, जिसमें विद्यार्थियों की भी संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है। विद्यार्थी स्कूल में आकर खुश हैं, ऐसा उनका कहना था। नागपुर महानगर पालिकेच्या शाळा महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार आज सुरू झालेल्या आहेत आणि विद्यार्थी संख्या पण सगळ्या शाळांमध्ये व्यवस्थित आलेली आहे, विद्यार्थी शाळेमध्ये येऊन खुश आहेत। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी भी मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में निगम स्कूलों के छात्र बाकी विद्यार्थियों की तुलना में कम ना रहे, इसलिए निगम के शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की है। अगदी बरोबर आहे, मागील 18 महिन्यापासून शाळा बंद आहे आणि शाळा बंद असून सुद्धा मुलांना शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक प्रयत्नरत आहेत। ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षण देणं महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुरू आहे। महानगरपालिकेत शिकणारा जो मुलगा असतो तो मध्यवर्गीय आणि निम्न मध्यवर्गीय प्रभागाचा असतो आणि या सगळ्यांकडे मोबाईल असणं आवश्यकच नाही आहे, आणि घरी एखादा जर मोबाईल असला तरी घरचा प्रमुखाकडे असतो आणि तो कामावर गेला की मोबाईल निघून जाते। असा विपरीत वातावरणामध्ये महानगरपालिकेच्या शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवलं। कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर एका विद्यार्थ्याच्या घरी काही लोकांना विद्यार्थ्यांना बोलावून ऑफलाईनसुद्धा शिक्षण महानगरपालिकेच्या शिक्षकांनी घरी जाऊनसुद्धा दिला। बता दें कि सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन फिर भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वैक्सीनेशन, स्कूल में सभी को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। कोविड के दिशा निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन पर डाली गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।